दोस्तों कप्तान बाबर आजम की लीडरशिप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 27 सितंबर को आखिरकार बुधवार को वर्ल्ड कप इवेंट से पहले हैदराबाद पहुंच चुकी है। दोस्तों पर ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी टीम चाहे जो भी हो, वो डायरेक्ट भारत नहीं आ सकते? आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग डायरेक्ट भारत पाकिस्तान से, स्पेशली पाकिस्तान से डायरेक्ट भारत नहीं आते? भारत में आईसीसी विश्व कप 2023 के टीम को वीजा जारी होने के एक दिन बाद टीम यहां पहुंच चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जी हाँ, वर्ल्ड कप का खुमार छा चुका है और सभी टीमें पहुंच चुकी हैं और प्रैक्टिस मैच भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में भारत आने वाली पाकिस्तान टीम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 7 साल में यह पहली बार है कि पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम भारत का दौरा कर रही है, जो कि इस बार आईसीसी विश्व कप 2023 की मेजबानी भी कर रहा है। रोमांचक टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 19 नवंबर को खत्म होगा। इस टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार कोई मैच खेलने भारत आए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एयरपोर्ट और होटल में भव्य स्वागत हुआ है। दोस्तों वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, यहाँ तक कि बांग्लादेश की टीम अपने देशों से फ्लाइट में सीधा डायरेक्ट भारत आए, लेकिन पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी ही सीधा भारत की धरती पर लैंड नहीं किए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने लाहौर से पहले दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ी और इसके बाद खिलाड़ियों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया। आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सीधा भारत के लिए फ्लाइट क्यों नहीं पकड़ी, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। असल में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का अच्छा ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के चलते भारत ने 2019 में पाकिस्तान को जाने वाली फ्लाइट हो, रेल हो और चाहे बस सेवा हो, सारे कुछ को बंद कर दिया था, जो कि उसके बाद फिर शुरू नहीं हो पाई है अभी तक। आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए और बिगड़ गए। इसके बाद भारत ने अगस्त 2019 में पाकिस्तान के साथ चलने वाली बस, ट्रेन और हवाई सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया। बाबर आजम और टीम के अन्य खिलाड़ी दुबई से 9 घंटे की लंबी फ्लाइट लेकर हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। ये सभी खिलाड़ी बुधवार की सुबह लाहौर से देर रात हैदराबाद पहुंचने के लिए रवाना हुए। 1992 आईसीसी विश्व कप के चैंपियन अपना पहला प्रैक्टिस मैच 29 सितंबर को 2019 के उप विजेता न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। इसके बाद वे 3 अक्टूबर को 5 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ 6 अक्टूबर को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ खेलेंगे। हैदराबाद की निर्धारित टूर से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को 48 घंटे से भी कम समय में अपना भारतीय वीजा मिला। चोट के कारण बाबर भारत में 2016 विश्व कप टीम में शामिल नहीं हो सके थे। इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करें तो ये मैच 14 अक्टूबर को मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी।